इधर पूरा देखो ना, ये करंट तो नहीं है। हाँ करंट होगा, उसमें करंट होगा ऊपर से ऐसे ऐसे नहीं, करंट बर्बाद देखिए ये दोनों भरोसा नहीं है तो सामने वाली बाजू कैसे हो जाए देख रहा सामने वाला यही कहने एक बोरी में नहीं चल रहा है, चार बोरी चल रहा है, एक बोरी कितने लोग हो, दो लोग सी रहे हैं, कहाँ सी रहा है, तीन लोग करते सर फिलहाल, अभी दो लोग यहाँ पर, ये क्यों नहीं सी गया, क्या दिक्कत था सर? एक तो ये बोरियां देख लीजिए इनकी, थेगड़ी 25 थेगड़ी लगा सर, इसमें मशीन चलती नहीं है, चलती है फंस जाती है बार बार। अच्छा नहीं तो नए बोरा कौन देगा, ये अब आया है सर, आज आया है, अभी तक जितना तौल हुआ है सब पुराने सर, सब की कंडीशन यही है जैसा वो बता रहे हैं, कोई चल नहीं रहा मशीन, सब ऐसे ही नहीं चल रहा है, कुछ पर हो के फंस जाता है सर इनके बाटों के कारण, नहीं मैं देखे ये है, देखिए एक बोले कितना सर टोकरी लगा है ऊपर में, 8 दिन हो गया सर, ये इधर आ इधर हां मान कितने दिन से, 8 दिन हो गया सर, सोमवार को हम लाए थे, 8 से 10 दिन अरे यहां 12 दिन हो जाते हैं सर, 12 दिन यहां से 25 किलोमीटर ऐसे की माल आवे ये घर 10 दिन पहले से माल आया सब इधर आओ, इनका तो लाज हो जाइए सर, बताइए 18 दिन हो गए लोग के इतना अंदर में रखा है ये सामने जगह नहीं है, नहीं इनसे पहले ये पूछिए कि 18 दिन से ये लाए हैं, इनकी तौल कहे नहीं हो, आज वाले क्यों हो रहे हैं, ये बताओ बताओ बताया बोलकर मैं नहीं आया, मैं अभी आया तो रोड में तोला ही देखा, क्या प्रशासन है आपका, आपके बिना कहे कोई भी कर रहा है, पहले आ रहे हैं सर हम लोग रोज, लगभग 10 दिन से हो गया, नमस्कार, पानी बरसते में भी यहाँ आए, अरे मैं यहाँ आपके जो है धान खरीदी केंद्र वेंकट नगर में हूँ, वेंकट नगर की समस्या को आप अच्छी तरह से जान रहे हैं, वहाँ पर आए, ये तिवारी को क्यों नहीं हटा रहे, ये खुद समस्या है ये है? अरे वो खुद समस्या है भाई, यहाँ पूरा जो है आप देख के गए हैं, अब कुछ कहने की स्थिति में तो है नहीं, नहीं एक ये, आप यहाँ जो अव्यवस्था है आपको बताऊं, जो पहले धान लाया है उसको नहीं खरीद रहे हैं, ये जो आज ला रहे हैं उसको खरीद रहे हैं, तुम लोग एक एप्लीकेशन बना लो और सब दस्तावेज, नहीं वही हो रहा है अभी तो हम देख रहे हैं, मैं तो यही हूँ भाई, अभी यही हूँ, और ये जो अंदर अंदर काम कर रहा है ये, आप यदि इसको हटा दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, नहीं तो किसी दिन ऐसा विवाद हो जाएगा तो उसको फिर आप जे आर मैडम से अभी बात कर लीजिए और कल ऑर्डर कर दीजिए, तुरंत करी भैया है ना, सेकंड साहब बताइए मेरे को, जे आर मैडम से बात करके बताइए है ना, थोड़ा मदद करिए, एक आवेदन बना विधायक जी के नाम से कि हम लोग इतने दिन से आए, हमें धान खरीदी नहीं हो रही, हमारी पूरी धान खट गई है, और आज वालों की खरीदी हो रही, जो कल आते हैं आ जाते बना के दो, बना के सब दस्तखत, आप लोग मालूम होगा ना कितनी बोरी धान आती है जी, हमने बोरी भर ली है, बोरी भर ली मतलब 50-40 किलो की बोरी जी जी, तो अंदाज से कल है, अंदाज से की हमारी 50 बोरी है, हमारी 40 बोरी है, मोटा मोटा लग गया है ना, जितने भी लोग हो दूलो है बब्बू, लिखा दो बब्बू सचिव साहब को, लिखा दो कितनी बोरी हमारी है, सब नाम लिखा दो, सब अपना नाम लिखा दीजिए, गांव का नाम लिखा दीजिए, ये कौन कहाँ से आया, अमन ए अमन माता लिखा दीजिए, अमन कागज ला दो, तीन पर
अमान कागज धन सिंह से मांग ले हुई चोरा कागज का मतलब जब तक सिलाई ना होगी मैं कहता हूँ जब सिलाई में जब एंट्री होगा तभी तो होगा आगे काम अभी तो कुछ नहीं हो रहा है ना जी जी। अरे यहाँ तो किसान से सिलाई लिया जा रहा है उसके आगे काम बढ़ेगा क्या चीज़ बताओ पूरा बताओ सिलाई और खरीदारी भी ले रहा है सिलाई भी ले रहा है आप आपने सीधे जो सीने सीने ने बताओ ना उस चीज को अभी आप बताए हो हम तोड़ रहे हैं कि कौन तोड़ रहा है ये बताओ अभी बताए हुआ जब आप छल्ली लग जाएगी तब आपसे पूछा जाएगा रिजेक्ट होगी और वापस वही साहब जब धान रिजेक्ट होती है तो नान वाले गोदाम के बाहर फेंक देते हैं अब किसानों का लाट नंबर डाला रहता है तो किसानों से कहते हैं कि आपकी इतनी बोरी धान रिजेक्ट है आप उठा लो और जब किसान पहुंचता है तो वहां अगर 50 बोरी रिजेक्ट है तो 10-20 बोरी मिलती है साहब बाकी चोरी हो जाती है सुअर खा जाते हैं गाय खा जाते हैं इस प्रकार 2-3 बार से हो चुका है। अच्छा अभी जो धान ये जो आज नहीं तौल हो रही जो नहीं सिलाई हो रही इधर जितनी धान नहीं सिली जा रही है नहीं तौल हो रही वो भीगी धान है सर भीगी धान कोई भी अधिकारी लिख के दे कि तुम गीली धान तौला लो हम तौला देंगे गीली धान किस परिस्थिति में तौला दे सर गीली धान नहीं ये सब कांटा हुआ पड़ा है कांटा क्या बोलो तुम बोलो सूझ जाने दो कांटा हुआ पड़ा है यहां पर खरीदार हम लोग क्या खरीदते हैं सोसाइटी में धान खरीदते हैं जिला का है आपका निजल मोड़ पर चढ़ जाइए खरीदार को जब देख रहे हो बड़े अधिकारी लिखे हैं तो थोड़ा फायदे से बात करो यार जी है ज्यादा कमाई होने लगा है कमाई वमाई के लिए तो नहीं सर इसीलिए बोल रहे हो तुम जब ये पता नहीं है कि कौन अधिकारी कहाँ है सॉरी सर हमसे बात कर लो लेकिन जो दूसरे वरिष्ठ उसको तो ध्यान रखो नहीं सर ये जो तौल या जो तौल वाली बात आप ये मेरे को मत बताओ ये किसके कारण कैसे हुआ है अभी रिकवरी तुम लोगों का हो जाएगा मैं सगले बैठा दूंगा किसान को समझ रहे हो जो दो रोटी खा रहे हो निपुर जाएगा ये क्यों हुआ ऐसे फालतू बात करते हो आप व्यवस्था बना के रखे हो यहाँ कीचड़ भरा हुआ है कहीं इसको आप पहले जो सियाई करो उसको उठा उधर किनारे करो फिर तौलो यहाँ चारों तरफ फैला लियो अगला कहाँ से तौलोगे तुम कहाँ करते अब उधर कांटा हो रहा है वो आ जाया है कांटा चालू हो गया कोई टोकन जारी किया हो तुम लेने वाले कोई टोकन नहीं है सर टोकन है कहीं वही टोकन जारी नहीं मनमानी तुम काम कर रहे हो लेने वाले किसी का टोकन नहीं कल 20 दिन से पड़े है किसान अब आज के किसान तुम्हारा तौल हो रहा है यही व्यवस्था बना के रखा है यहाँ ये क्या व्यवस्था है नहीं ऐसे ही कुढ़ा के रखे हैं दिक्कत ये है सिलाई के पैसे एक किसान की तौल होगी दुई की होगी तीन की होगी आप तौल कर करके छोड़ दिए भाई एक की हो जाए सिलाई हो दुई की हो जाए तीन की हो जाए यहाँ वहाँ से बिल्कुल रोज रोज तौल जाएगी रोज रोज सिल जाएगी सल्ली लग जाएगी ये तो होना नहीं चाहिए होने नहीं चाहिए एक आदमी किसान को तो समझ में आता है सब बता रहे 15 दिन 18 दिन 12 दिन ऐसा नहीं ये सड़ जाएगा तो किसान का अन्न पैदा करने में कितना मेहनत आता है वो जान रहे हो आप वजन कम हो जाते हैं 56 किलो के रहने के बाद 4 महीने बाद बुधवार से आया हूँ दिन बढ़ाया जाते नाश्ता करें खाना पीना किलो कम हो गया जुड़ा नहीं करना चला।